और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो डेंगू मलेरिया है इसका सबसे बढ़िया उपचार है श्राद्ध। श्राद्ध आने वाला है ना, आ रहा है ना श्राद्ध, अभी कुछ ही दिनों में। श्राद्ध में क्या पीते हो आप, जोर से बोलो, खीर। देखो विश्व में केवल मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी हर एक क्रिया वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। पिछले वर्ष हम एक रात अपने राजस्थान का प्रसिद्ध अखबार पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक मजाक लिखी हुई थी, दादी खीर बनाती थी रोज 15 दिन तक श्राद्ध में। तो पोते ने कहा कि अपनी माँ से, दादी के पोते ने अपनी माँ से कहा, यानी बेटा अपनी माँ तो क्या कह सकते हैं, मम्मी से बोल रहा था, माँ तो महान तत्व है, मम्मियों की गड़बड़ है ये तो, कि मम्मी मम्मी ये दादी भी क्या बोरिंग है, वो पानी वाला बोरिंग नहीं, ये अंग्रेजी वाला बोरिंग, बोरिंग का मतलब अच्छा नहीं लगने वाला, रोज ही खीर बनाती है। तो मम्मी ने बेटे को क्या कहा, बेटा तू चिंता मत कर, अब दादी तो थोड़े दिन है बना लेगी, और मैं मर जाऊं ना तो मेरे श्राद्ध में तो तू पिज्जा और बर्गर बनाना। ये मैं नाम नहीं लूंगा उस समाचार पत्र का, लेकिन बड़ा कार्टून बना करके छापा था, ये मजाक है सनातन संस्कृति की। उन भोले भाले अज्ञानी जीवों को यह नहीं मालूम कि श्राद्ध की खीर के पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। अच्छा बताइए, डेंगू किससे होता है? मच्छर के काटने से। पक्का? अच्छा, तो मच्छर तो एक शहर में करोड़ों की संख्या में होते, लगभग सबको काटते, तो डेंगू सबको क्यों नहीं होता, गिने चुने लोगों को क्यों होता है? डेंगू के काटने मात्र से मच्छर नहीं होता है, मच्छर के काटने मात्र से डेंगू नहीं होता है, डेंगू को पनपने के लिए शरीर में वातावरण चाहिए। मच्छर तो बीज बो देता है आपके शरीर में, अगर हवामान नहीं मिले तो डेंगू नहीं पनपता है। जिस प्रकार किसान जमीन में बीज तो बो दे, लेकिन अगर वातावरण अनुकूल नहीं हो तो बीज उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। उसी प्रकार मच्छर मादा एनाफिलीज काटे तो मलेरिया हो, ऐसा मानना है विज्ञान का। अरे वो काटती है, बीज रोप देती है, लेकिन उस समय आपके शरीर में पित्त वृद्धि होना आवश्यक है। अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ नहीं है तो आपका मलेरिया का मच्छर काटो चाहे डेंगू का मच्छर काटो, वो आपके शरीर में फैलेगा नहीं। अब पित्त नहीं बढ़े उसके लिए क्या करें? तो ज्ञानी जन कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक देसी गाय माता के दूध में शुद्ध चावल डाल करके बनाई हुई खीर को अगर 15 दिन तक निरंतर खाओ तो आपके शरीर में एक वर्ष तक पित्त नहीं बढ़ेगा, और पित्त नहीं बढ़ेगा तो आप कितने ही मच्छर में सो जाओ आपको डेंगू मलेरिया होने वाला नहीं। अब खीर भी बनती है लेकिन भैंस के दूध की, जर्सी के दूध की, इसलिए पित्त नियंत्रित नहीं हो पाता। यह है भारतीय विज्ञान, इंडियन साइंस। छोटे से छोटे त्योहार के अंदर भी जो भोजन की विधा है ना उसके पीछे विज्ञान है। होली पर पकौड़ी ज्यादा बनती है, बनती है कि नहीं बनती है? तली हुई चीजें, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मौसम होता है जिस समय वातावरण बदलता है, उस समय जुकाम ज्यादा होता है, और जुकाम में अगर पकौड़े खाओ तो जुकाम कंट्रोल होता है, ये मेरा दावा है। आप सिट्राजिन मत खाइए, आप जो जितनी भी एंटी कोल्ड टेबलेट मत खाइए, आपको जैसे ही जुकाम हो शुद्ध सरसों के तेल में आप शुद्ध पकोड़े बना करके खाइए, आपका जुकाम कंट्रोल हो जाएगा। आपको जानकारी हो तो शीतला सप्तमी पर दही और चावल खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो भी बदलाव वाला मौसम है, जब वातावरण बदलता है तब बीमारियां बढ़ती है, उस समय पेट की गड़बड़ियां खतरनाक स्तर पर बढ़ती है, उस समय अगर दही चावल का ओलिया खाया जाए तो पेट की गड़गड़ाहट कम खराब नहीं होती, ठीक हो जाता है पेट, इसलिए उस समय वो भोजन रखा है।
जब मकर संक्रांति आते तो बोलो तिल गुड़ के लड्डू खाते हो कि नहीं खाते हो? क्यों साहब? क्योंकि उस समय शीत का प्रभाव अंतिम चरण में होता है और शरीर को जो जितनी भी हायर हीट एनर्जी होती है वो लगभग लॉस हो चुकी होती है। गुड़ और तिल दोनों का समावेश, शरीर को आवश्यक जो तेल और ऊर्जा चाहिए, जो स्नेहक और ऊर्जा चाहिए, वो तुरंत प्रदान करता है। इसलिए उस समय गुड़